दोस्त अब दोस्त ना रहा, आस्तीन का सांप बना रूस, चीन के आगे छोड़ा भारत का साथ, INS विक्रांत से जल भून कर राख हुआ रूस, INS विक्रांत से रूस नहीं है खुश, दोस्त की कामयाबी से जला रूस। दोस्तों कहा जाता है कि कामयाबी दुश्मन भी तैयार करती है। भारत को अंग्रेजों से मुक्त हुए 75 साल हो चुके हैं, इस बीच भारत में कामयाबी के अनगिनत कीर्तिमान बनाए गए। दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त हमारे पास तकनीकियों का बहुत बड़ा अभाव था, हम दूसरे देशों से हथियारों की खरीद कर रहे थे। रूस आज तक हमारा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर रहा है। अमेरिका और रूस दोनों ही दुनिया में सबसे बड़े हथियारों के विक्रेता हैं। दुनिया भर के देश इनसे हथियार खरीदना चाहते हैं। ये दोनों ही देश उस देश को अपना दोस्त मानते हैं जो इनसे ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदता है। हथियारों का बाजार इनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन दोस्तों अब भारत भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहा है, वो दुश्मन के दिल दहलाने वाले हथियार बना रहा है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लॉन्च करके कामयाबी का इतिहास रच दिया। दोस्तों भारत की ये कामयाबी न सिर्फ भारत के दुश्मनों को बल्कि भारत के दोस्तों को भी नागवार गुजारी है। दोस्तों इस बारे में एक ऐसी खबर आ रही है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर भारत की कामयाबी से कौन कौन से देश जल भुनकर राख हो रहे हैं। इस देश के बारे में खुलासे से देशवासी हैरान हो रहे हैं। तो दोस्तों मतलब कि दुनिया में कौन दोस्त है कौन दुश्मन, ये फैसला करना बेहद मुश्किल है। कहने को तो रूस भारत का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है, लेकिन सच इतना कड़वा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आखिर रूस ने कैसे भारत को धोखा दिया और आज भारत की कामयाबी से रूस क्यों जल रहा है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारतीय नौसेना में कमीशन किया जा चुका है। इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इतना ही नहीं, भारत उस एलीट क्लब में भी पहुंच चुका है जो इतने बड़े एयरक्राफ्ट का स्वदेशी तौर पर निर्माण करने में सक्षम है। लेकिन भारत को इस मुकाम को हासिल करने में सिर्फ दुश्मनों ने नहीं बल्कि दोस्त की दगाबाजी से भी जूझना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि INS विक्रांत के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला स्टील पहले रूस से खरीदा जाने वाला था, लेकिन दोस्त रूस ने भारत को विक्रांत के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल स्टील बेचने से मना कर दिया। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तौर पर उससे कहीं ज्यादा एडवांस स्टील का निर्माण खुद ही कर लिया। रूस के इस इनकार ने यह दिखा दिया कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी किसी का सगा नहीं। आशंका जताई जा रही है उस समय रूस के ऊपर चीन का दबाव था ताकि भारत स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण ना कर पाए। लेकिन ये असलियत आखिर किसने बताई? दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मधु नायर ने द वीक को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि रूस ने 2005 में हमें INS विक्रांत के निर्माण के लिए स्टील देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर हमने उस स्टील को विकसित किया। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि सभी वॉरशिप में इस्तेमाल होने वाला स्टील भारतीय है। इस स्टील को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। शुरुआत में इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया, लेकिन आज इसका प्रोडक्शन जिंदल ग्रुप और SR ग्रुप करता है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स मिधानी से हासिल किए गए थे। नायर ने कहा कि हमने जो बनाया है वो सबसे अच्छा स्टील है। इतना ही नहीं, मधु नायर ने बताया कि INS विक्रांत के निर्माण में 550 से ज्यादा कंपनियों ने अपना योगदान दिया है। इनमें से 100 तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस थी। इनमें से सबका अपना वर्क कल्चर और मेथोडोलॉजी थी। ऐसे में इन सबसे डील करने में हमें काफी कुछ सीखने को मिला। जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नेटवर्किंग की उससे हमें स्पीड को बढ़ाने में काफी मदद मिली। उन्होंने बताया कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का आकार और पैमाना विशाल होने के कारण विक्रांत के निर्माण में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले लोग पूछते थे कि क्या हमारे पास इतने बड़े आकार का जहाज बनाने की क्षमता है। केवल 5 या 6 देश हैं जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं और भारत उनमें से एक है। दुनिया को आज हम पर भरोसा है। वहीं INS विक्रांत की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका कुल डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन से ज्यादा है। इसके अंदर 15 डेक हैं, जिसमें एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक पूल, एक किचन और महिलाओं के लिए स्पेशल कैबिन है। INS विक्रांत में 2300 कंपार्टमेंट हैं और इसके निर्माण में 2400 किलोमीटर केबल्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें 8 विशाल बिजली जनरेटर हैं और ये हर दिन 4 लाख लीटर पानी प्रोड्यूस कर सकता है। भारतीय नौसेना में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन करने के बाद 4 से 5 महीनों का समय सभी डिवाइसेस के परीक्षण में लगने वाला है। समुद्री परीक्षण के दौरान INS विक्रांत पर 1700 लोगों को तैनात कर इसकी पूरी क्षमता की जांच की गई।
शिप को तट से 200 किलोमीटर दूर ले जाया गया और छोटी छोटी चीजों की भी जांच की गई, जैसे कि क्या मशीनें समुद्र में एक घंटे में 1000 चपाती और इडली बना सकती है। तो जैसा कि हम सब समझ सकते हैं, ये अपने आप में एक अनोखा एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के एडिशनल जनरल मैनेजर के प्रदीप ने बताया कि 2007 में हमने INS विक्रांत के डिलीवरी के लिए 2020 का समय सीमा तय किया था, लेकिन COVID-19 महामारी नहीं आती तो हम इसे समय पर डिलीवर कर सकते थे। उन्होंने मोदी सरकार के गठन के बाद 2014 में हुई उस बातचीत को याद करते हुए बताया कि पूर्व रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नौसेना प्रमुख से विक्रांत की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। तब उन्हें इसके निर्माण को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। कुछ स्लाइड्स देखने के बाद जेटली ने कहा कि मुझे बताओ चीफ, समय और लागत को लेकर बाकी देशों का प्रदर्शन कैसा है। चीफ ने कहा कि उन्हें 10 साल लग गए। जेटली ने पूछा कि भारत कितना समय ले रहा है। इस पर चीफ ने जवाब दिया कि लगभग 13 साल सर। जेटली ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और पूछा कि विदेश में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की लागत क्या है। इस पर नेवी चीफ ने कहा कि लगभग $5.5 अरब। जेटली ने पूछा कि भारत के बारे में क्या। तब नेवी चीफ ने कहा कि $3 अरब। जेटली ने कुछ देर और सोचा और फिर कहा कि क्या ये सब भारत के बारे में नहीं है। पूर्व रक्षा मंत्री का कहना था कि यह भारत के लिए एक बड़ी बात है कि भारत विकसित देशों के समय से महज 3 साल ज्यादा में वक्त में विकसित देशों को टक्कर देने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, वहीं उनसे आधी कीमत पर। INS विक्रांत अपने आप में एक अजूबा है। साथ ही भारतीय नौसेना का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 76% ही स्वदेशी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 24% पुर्जे विदेशों से खरीद कर लगाए गए हैं। इनमें कई रेडार, वेपन सिस्टम और दूसरे डिवाइसेस शामिल हैं। INS विक्रांत के लिए कई वेपन सिस्टम और डिवाइसेस का निर्माण भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने खुद किए। इसमें DRDO का साथ नेवल डिजाइन ब्यूरो, भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, प्राइवेट कंपनियां जैसे किर्लोस्कर, LNT, कैल्ट्रॉन, GRSE और वाटसिला इंडिया ने भी अहम योगदान दिया है। अब सबसे अहम सवाल है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत क्या है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में चलता फिरता हवाई अड्डा होता है। एक ऐसा वॉरशिप होता है जहां से विमानों को ऑपरेट किया जा सकता है। अलग अलग तरीके से विमान इस युद्धपोत पर डेक कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, फ्यूल भर सकते हैं। इतना ही नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर पर विमानों को हथियारों से लैस किया जा सकता है। इससे समुद्र में काफी दूर तक हवाई क्षमता को बनाए रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, दुश्मन के इलाके में नेवल ब्लॉकेज लगाने में भी एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा योगदान दे सकते हैं। 1971 के युद्ध में भारत ने INS विक्रांत के जरिए बंगाल की खाड़ी में नेवल ब्लॉकेज लगा दिया था। वेल, दोस्तों, ये थी खबरें INS विक्रांत के लिए रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े साथी मित्र का दर्जा पाए रूस के धक्काबाजी की। जहां भारत आज किसी भी मामले में ना दुश्मन और ना दोस्त पर निर्भर है, जो एक बहुत अहम और बड़ा कदम है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।